छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे, लेकिन क्यों छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो मुझे। करते हो, लगता है थक गए हो तुम। अपने खाने के लिए मेरा इंतजार कर रहे थे। तूफान कहाँ है? इस वक्त तो वो हमेशा बाहर ही होता है। मेरी तरफ देखो, कहीं वो बीमार तो नहीं? खैर भाई। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया भाई। तुम वो लाई हो जो मैंने कहा था? हाँ, मैं सब खरीद लाई हूँ। बाबा अभी तक नहीं आए? वो जरा बाहर गए हैं। मैंने कहा भी कि आराम कर लें, दुकान मत जाएं। मैं भी उनसे यही कहता हूँ मगर वो सुनते ही नहीं। कहते तो वो भी ठीक है भाई, इस तरह तो कोई भी बोर हो सकता है। बाबा को कुछ करने पर मजबूर मत करो। और अब तो उनकी तबीयत बेहतर हो रही है, दवाओं से काफी फर्क पड़ रहा है, अल्लाह का शुक्र है। क्या हुआ भाई? मैं बहुत उलझन में हूँ। बैरूने मुल्क स्कूल में वाकई जाना चाहती हूँ मगर। तो फिर इसमें परेशानी क्या है? बात यह है, मैं उसके बारे में सोचती रहती हूँ, दिमाग से ही नहीं निकलती वो।
दूसरी तरफ बाबा हैं, मैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहती। अगर आगे पढ़ाई नहीं करोगी तो बाबा को बहुत अफसोस होगा। वैसे भी हम सब हैं यहाँ, उनका ख्याल रख लेंगे। मेरी बहन, तुम फिक्र मत करो, सिर्फ अपनी पढ़ाई के बारे में सोचो। मुझे और बाबा को फख्र है तुम पर, हम सब तुम्हें बहुत चाहते हैं। आपसे प्यारा कोई नहीं भाई। मैं सुबह से दुकान संभाल संभाल कर थक गया हूँ, अब एक अच्छी सी कॉफी पिला दो मुझे। अभी लाती हूँ। तुम्हारी बस तो नहीं निकल जाएगी कहीं? बस तो स्टॉप से गुजर चुकी होगी। तो फिर साइकिल पर? ओहो, ये क्या हो गया? वो आज साइकिल का टायर फट गया भाई। मैं इसे देख लेता हूँ, तुम गाड़ी ले जाना। नहीं, उसकी जरूरत आपको है, आप काम कैसे करेंगे? तो फिर कॉफी छोड़ो, फौरन निकलो, फार्म से शॉर्टकट ले लेना, ठीक है? ठीक है भाई, गुड लक। और हाँ, रास्ते में घोड़े देखने मत रुक जाना, वरना तुम्हें और देर हो जाएगी। ये थोड़ा मुश्किल है, बहुत प्यारे हैं वो। कहाँ थे बेटा? सुबह सवेरे ही निकल गए थे। देखो ये रोटी मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। सुबह बखैर बरान साहब। माफी चाहता हूँ भाई, अचानक एक मसला हो गया था। और क्या था वो मसला? मैंने स्कूल ट्रिप के बारे में बताया था ना? हाँ, याद है मुझे। मेरे दोस्तों ने चलने के लिए पूछा, लेकिन मैंने मना कर दिया। मेरी तरफ देखो। मुझे मत देखो, मैंने मना कर दिया था। और हवेली में सरबरा का हुक्म चलता है। लेकिन मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं। इस बारे में बात हो चुकी है, नहीं जाओगे तुम। ऐसा करते हैं, तुम अपने दोस्तों से बात करो और सबको वीकेंड पर फार्म पे बुला लो। बिल्कुल, हम घुड़सवारी भी कर सकते हैं। देखेंगे। मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है, फिर मिलते हैं। तुमने देखा नहीं, स्कूल भूखा ही चला गया। स्कूल में खा लेगा। तुम बहुत फयाज हो मेरे बारान, मेरे जिहान को माँ बाप की अदम मौजूदगी का एहसास नहीं होने दिया तुमने। अपनी जिंदगी की हर सांस उसी के लिए लेता हूँ मैं। वो अब बड़ा हो गया है, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम उसकी इतनी देखभाल कर रहे हो। अल्लाह तुम्हारा ये जज्बा कायम रखे। आमीन। लेकिन अब तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में भी सोचना चाहिए। आपने फिर उसी मौजू पे बात करना शुरू कर दी। तो गलत क्या है इसमें? वक्त निकला जा रहा है, आखिर तुम कब अपने खानदान के बारे में सोचोगे? कब तुम्हारे बच्चों को अपने गले से लगाऊंगी, उनके साथ खेलूंगी? बुरा मत मानना, मैं सिर्फ समझा रही हूँ, बाकी तुम खुद समझदार हो, बज़ाहिर खुश भी रहते हो। मैं बहुत खुश हूँ दादी। तन्हाई दरअसल खुदा के लिए मखसूस है। रब्बे ज़ुलजलाल की तरफ से एक अंधेरी रात आई और चली गई, इतना ही काफी है, जो हुआ सो हुआ। नाश्ता करें आप। अगर ऐसा है तो मुझे भी मरने की जल्दी नहीं। अब जब तक तुम्हारी शादी ना करा दूं, उससे पहले दुनिया से नहीं जाऊंगी मैं। ठीक है, उस वक्त मां होंगी मैं। फोन करके इत्तला देने का शुक्रिया। किसको देख रही हो बेटी?
तूफान को कहीं नजर नहीं आ रहा। वो आराम कर रहा है अस्तबल में। तूफान को देखना है तुम्हें? हाँ चाहती तो हूँ, क्या मिल सकती हूँ मैं? दोस्तों आप लाउंज में जा सकते हैं, चलो चले बेटी। अहमद चाचा, शायद तूफान की टांग टूट गई है। ये क्या कह रहे हो तुम? तूफान, क्या हुआ तुम्हें? शायद इसकी टांग टूट गई है। अचानक से कैसे टूट गई? हेलो वरान बेटा, वरान अस्तबल आ जाओ, तूफान की टांग टूट गई है। मैं आ रहा हूं। ये तकलीफ में है, क्या इसका पांव हिला सकते हैं हम? नहीं बेटी, ये अभी तकलीफ में है, बारान साहब के आने से पहले कुछ नहीं कर सकते। इसकी हालत तो देखें आप, और आप मालिक का इंतजार कर रहे हैं कि वो आकर फैसला करेगा। आप उनका फोन नंबर मुझे दें, मैं उनसे इजाजत ले लेती हूँ। चलिए जल्दी करें, मुझे उनका नंबर दें। अच्छा लिखो बेटी, 92। 92 कहा ना आपने? हाँ बेटी। ये पानी आपके लिए। शुक्रिया तुम्हारा कदर। दरिया मेरी जान, कैसी हो मेरी प्यारी बेटी? अल्लाह का शुक्र है ठीक हूं मैं। कब से तुम मेरे जहन में हो, तुमसे मिलना है। मैं सोच रही थी साथ मिलकर खाना खाते हैं हम दोनों। बारान भी बहुत खुश है। ठीक है, इंतजार रहेगा मुझे। अब तुम्हारा उससे बात करने का वक्त आ गया है। डरो मत तूफान, तुम ठीक हो जाओगे। वो कॉल पिक नहीं कर रहे। अरे बरान साहब आ गए। इसका कुछ नहीं हो सकता। आप ये क्या कर रहे हैं? आप इसे गोली नहीं मार सकते। इसका इलाज बहुत ही है। आपका फैसला ठीक नहीं। ये भी तो हो सकता है कि टूटा ना हो, शायद ये बेहतर हो जाए। तुम्हें अंदाजा नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ देखने से नहीं एहसास से मालूम होता है। जो तुम कह रही हो उसे जीते जी मरना कहते हैं। तो आप इसकी जिंदगी सिर्फ इसलिए खत्म करने जा रहे हैं कि इसकी टांग टूट गई है? इसकी आंखों को देखें, ये जीना चाहता है, मगर इसे गोली मारना आपके लिए आसान होगा।
तुम हद से बढ़ रही हो। आप कैसे जालिम इंसान हैं? काश तुम किसी अच्छी जगह पर होते, किसी समीर वाले इंसान के पास। मैं नहीं जानती कि आप कौन हैं, लेकिन ये जानती हूँ कि आप एक बुरे इंसान हैं। ऐसा नहीं होने दूंगी मैं, आप नहीं मारेंगे इसे। मेरे होते हुए आप इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसे यहां से ले जाओ। छोड़ो मुझे, खुद चली जाऊंगी मैं। जी कहिए दादी। बेटा तुम फौरन घर आ जाओ, बहुत अहम मसला है। आ रहा हूं। देखें, ये जीना चाहता है, मगर इसे गोली मारना आपके लिए आसान होगा। खुशामदीद चाचा। शुक्रिया बेटा। आप लोगों का यहाँ कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है ना? तुम बहुत याद आए बेटा, लेकिन हमारी यहाँ आमद बेमकसद नहीं है। मसला संगीन भी है बारान, और इंतहाई संजीदा भी। उनका पता लगा लिया है। किसका? उन्हीं कातिलों का। हमारी ही नाक के नीचे हमारे ही सामने कबाब बेच रहे हैं वो। उसकी दो बेटियां और एक बेटा है। आखिरकार हमारे अंदर की आग बुझने का वक्त आ ही गया। अम्मी, 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 बेटा भागो। तो सांप हमारे करीब भी है और जिंदा भी है। अब क्या करना होगा अम्मी? हमें कुछ तो करना होगा, हमारा खून पुकार रहा है हमें। ये मसला मैं हैंडल करूंगा बाबा। ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। ये बदला लेने के लिए जिहान मुनासिब रहेगा। जिहान इस बारे में कुछ नहीं जानता, जो जरूरी है मैं करूंगा। तुम खुद ही सोचो, तुम्हें जेल में रहना गवारा होगा क्या? इस तरह तो हमारा कबीला सरदार से महरूम हो जाएगा। हम सबको तुम्हारी जरूरत है बारान। मैंने कहा ना, जिहान इस बारे में कुछ नहीं जानता। Thank you.
मेरी बात गौर से सुनो। मुझसे एक वादा करो बेटा, तुम्हारा भाई जहान, आज से उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। वादा करो कि उसका ख्याल रखोगे। मैं वादा करता हूँ। साथ मत आना मेरे। अब उसने ऐसा क्यों कहा अम्मी? क्या जेहान जवान नहीं है? और वैसे भी उसका जेल में आना जाना लगा रहता है। जेहान के लिए कोई रास्ता नहीं है। अब मैं देखती हूँ, तुम फिक्र मत करो, वो वही करेगा जो जरूरी होगा। तुम लोगों ने जो किया उसका शुक्रिया। तुमने मुजरिमों को ढूंढ निकाला, अब मुदाखलत की जरूरत नहीं। आपने एक बार फिर मुझे गलत समझा अम्मी। मैंने अपने खानदान के बारे में सोचा। दोनों भतीजे हैं मेरे, बाप की जगह हूँ मैं उनके लिए। मुझे दोनों की फिक्र है। मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ हसन, मगर बारान जेहान को रस्म रिवाज से दूर रखना चाहता है। यकीनन हम भी ऐसा ही करेंगे। उसकी बात हमारे लिए हुक्म है और हम छुप कर वार नहीं करते। भाई से मिलने की इजाजत चाहता हूँ। एक हसरत दिल में जागी है। तुम यहीं रुको, नहीं मैं आ गया हूं। एक अच्छी खबर सुनाता हूं। वो आदमी मिल गया है जिसकी हमें तलाश थी, जिसकी वजह से आप माजूर हुए। वो शख्स यकीनन याद होगा। कुछ याद आया? आएगा याद, आएगा। काश कि तुम्हें याद आ जाता, मगर चलो ठीक है। बरसों पहले जो तुम्हारे साथ किया था, अब तुम्हारे दोनों बेटों के साथ करूंगा। दोनों को रास्ते से हटा दूंगा। लेकिन थोड़ी उलझन है भाई, पहले जेहान को जलाऊं या फिर बारान को? हैं? तुम्हारा क्या मशवरा है? तुम कह रहे हो दोनों को साथ जलाऊं? यानी एक तीर से दो शिकार करूं? भाई देखो, तुम मर मत जाना, हिम्मत रखना। कयामत कैसे बर्पा होती है, कैसे फना करती है, बारी बारी तुम्हारे बच्चों पर तबाही कैसे आती है, अपनी आंखों से देखना। भाई, आपने बताया नहीं कि आप आ रहे हैं, कुछ हुआ है क्या? मैं स्कूल नहीं आ सका था, तो वही बात नाश्ते के बाद दिमाग में घूम रही थी। अच्छा, ये बात थी। ट्रिप पे चले जाओ तुम दोस्तों के साथ। वाकई में? हाँ बिल्कुल, मगर तुम और तुम्हारे दोस्त एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। कोई मसला हो तो कॉल करना मुझे। ठीक है भाई, आप फिक्र मत करें। आज अगर तुम चाहो तो औरकन के पास रुक जाओ, और तुम दोनों साथ भी जा सकते हो।
तुम्हारा सूटकेस बना के भिजवा दूंगा मैं। आपने दोस्त के साथ रहने की भी इजाजत दे दी। ठीक है भाई, शुक्रिया। एंजॉय करो। सफर के दौरान फोन करते रहना मुझे। सुबह तो इन्होंने जाने से साफ मना कर दिया था और अब दोस्त के यहां रुकने का भी कह रहे हैं। मैडम, मेरी एप्लीकेशन को वाकई कबूल कर लिया गया? कोई शक है तुम्हें? तुम्हारी कामयाबी का तुमसे ज्यादा यकीन था मुझे। ये तुम्हारी मेहनत का सिला है, मुबारक हो तुम्हें। अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, मेरे बाबा बहुत खुश होंगे। मैडम, तुम एक अच्छी इंसान और काबिल स्टूडेंट हो। मुझे यकीन है तुम अपनी मेहनत से वो सब अचीव करोगी जो तुमने सोच रखा है। अब जाओ, अपनी फैमिली को बताओ, बहुत खुश हो जाएंगे वो भी। हेलो भाई, एक अच्छी खबर है। सईद, चलो घर चलते हैं, दुकान को बच्चे संभाल लेंगे। अम्मी, क्या आप मेरी बात सुन रही हैं ना? बेटा, मैं सुन रही हूँ। पता है दिलान को एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया है। अच्छा, ठीक है, समझ गई हूँ मैं। तो जुमरुद को बुलाकर साथ में फैमिली डिनर करते हैं। तो चलो, शटर भी गिराते हैं और घर पर चलकर पत्थर खाते हैं। अरे, इस वक्त कौन से कस्टमर्स आएंगे, हमें उसकी खुशी सेलिब्रेट करनी चाहिए। क्यों बाबा, आप भी तो कुछ बोले ना। जरूर करेंगे, तुम पहले जल्दी से खाना तैयार कर लो और तुम जुमरुद बेटी से कहो फौरन यहाँ आ जाए। रुको, पहले अपना काम करो। अम्मी, आपकी बेटी कामयाब हुई है, खुदा का वास्ता उसका हक तो उसे दे दें। दिया तो है, और हम क्या करें, यहाँ पढ़कर भी खुश थी वो। काफिरों के मुल्क में पढ़ना जरूरी है क्या? कब पढ़ाई मुकम्मल करेगी और कब कमाएगी वो? सिर्फ कामयाबी से पेट नहीं भरता, समझे तुम? हम अभी तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे। आ जाओ, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया भाई, आखिरकार मुझे ये लेटर मिल ही गया। अरे तो मेरी बहन ने मेहनत भी तो बहुत की थी, ये तो होना ही था। चलो आओ, अपने भाई के गले लग जाओ। वो देखो, वहाँ गोश्त पड़ा है, खराब हो जाएगा। अरे प्यारी अम्मी जान, आप फिक्र न करें, हम उसे पका लेंगे। दिलान, तुम यहाँ आराम से बैठो, आज तुम हमारी दुकान पर मेहमान हो, बैठो, सेलिब्रेट करते हैं। भाई, इसकी क्या जरूरत थी? बेटी, अगर आज सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो कब करेंगे? बाबा, देखे, दिलांदे मेल लिखा है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, अभी भी ख्वाब लग रहा है। मैं जीत गई बाबा, मैं जा रही हूँ। रुको, जरा जल्दी मत दिखाओ, पहले हमें बात कर लेनी चाहिए। अब क्या बात करनी है? कोई बात नहीं करनी, तुम जा रही हो बेटी, और जो हम कर सकते हैं करेंगे तुम्हारे लिए। अब जरा ये लेटर मुझे दे दो, मैं खुद पढ़ लूंगा। इस तरह मत करें आप। बेटी, बाबा, तुमने खुश कर दिया मुझे, फखर है मुझे तुम पर। देखा, कहा था डॉक्टर ने कि खुशी या गम की खबर बर्दाश्त नहीं कर सकते ये। चलो सईद, चलो इन बच्चों को सेलिब्रेट करने दो। आप ठीक है ना बाबा? चलो, ठीक हूँ मेरी बेटी, तुम फिक्र मत करो, ठीक हूँ, चलता हूँ अब मैं। सईद, बात सुनो, तुम्हारी बीमारी बढ़ रही है, ये लड़की तो पढ़ाई छोड़ने का नाम ही नहीं लेती है, जबकि इसे नौकरी करनी चाहिए। भाई, ये खाना फ्रिज में रख दें, कस्टमर्स के लिए, रात में हम मिलकर खाना खा लेंगे, मुझे आपका सेलिब्रेशन बहुत अच्छा लगा। ठीक है। बाबा फोन भूल गए हैं, मैं उन्हें देकर आती हूँ। बस करो, बहुत हो गया, मेरे आसाब पर सवार मत हो। बाबा, आप अपना फोन भूल आए। हाँ, हमेशा भूल जाते हैं। शुक्रिया बेटी, शुक्रिया, फिर मिलते हैं। ये लोग कौन है?
कौन? ये लोग जो सामने खड़े हैं, मुझे लगता है वो यहीं देख रहे हैं। हाँ, वो जो सामने खड़े हैं। भाई, क्या हो रहा है ये? बस वो ना हो जो मैं सोच रहा हूँ। देखो, तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन इस लड़की की तालीम महंगी है सईद। मेरी बात सुनो, बच्ची को स्कॉलरशिप मिली है, स्कॉलरशिप, समझे तुम? बस 3% की स्कॉलरशिप? हम तो टिकट का खर्चा भी नहीं उठा सकते। इसकी वजह सिर्फ आप और जेवदेद हैं, वरना वो ऐसा ना करती। अब बस भी करो, तुम बहुत हो गया, बोल बोल कर परेशान करके रख दिया है मुझे। तुम्हें अब तक समझ में नहीं आया ना? क्या समझ में नहीं आया? जेवदेद गिरफ्तार हो गया तो मुझे भाई के पास जाना पड़ेगा, जुमरुद आपकी पैरवी करेगी। मैं अपने बच्चों को बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकती। क्या ये तुम्हारा मसला? बिल्कुल है। जब से मार्टिन छोड़ा है, खौफ में जिंदगी गुजारी है, और उसी खौफ के साए में मैंने अपने बच्चों की परवरिश की है, भूल गए क्या? दिलान की परवाह नहीं मुझे, जहाँ जाना चाहे जाए। हनीफे, ये क्या बोल रही हो तुम? दिलान भी हमारी बेटी है। तुम्हारी बेटी सगी औलाद की जगह नहीं ले सकती। दिलान के मरहूम बाप की वजह से जिंदा हूँ मैं, हमें तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, समझी तुम? दिलान भी हमारी बेटी है, जैसे जेवदत्त है, जैसे जुमरुद है हमारे लिए, वैसे ही दिलान भी है। ठीक है, ठीक है, गुस्सा मत करो, घर चलते हैं। कहो बेटे। बाबा, दुकान के पास कुछ लोग खड़े हैं और मुस्तकिल इस तरफ देख रहे हैं, क्या वो हमें ढूंढ सकते हैं? क्या हुआ सईद, मुझे बताओ। तुम डरो मत, दिलान कहाँ है? दुकान में है। ठीक है, उसे कुछ मत बताना, वैसे शायद वो कोई और लोग हो। आपको कैसे यकीन है बाबा कि ये वो लोग नहीं है? वो लोग होते तो वो रुकते नहीं। तो फिर वो लोग दुकान के सामने किस लिए खड़े हैं? मुसलसल उनकी नजरें दुकान पर ही जमी है बाबा। ठीक है, तुम अभी फोन रखो, मैं कुछ करता हूँ, कुछ होते ही तुमसे रब्ता करता हूँ, ठीक है? क्या हुआ सईद, उन्होंने हमें ढूंढ लिया क्या? दुकान के बाहर कुछ लोग हैं। ओह मेरे खुदा, अब हम नहीं बचेंगे, नहीं बचेंगे। बात तो सुनो, मैं कह रहा हूँ फिक्र मत करो, मैं अभी मार्दिन को कॉल करता हूँ। कदर, तुम उन्हें जाके शरबत दे आओ, और देखो किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। अब चीजें टेबल पर रख दो। मैं अभी रख देती हूँ। ले आओ। सईद के बेटे को मारकर हम इल्जाम लगाना चाहते थे बारान पर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बेटे, कोशिश यही है कि हम पर कोई शक न करे। बारान पर इल्जाम लगाना आसान है, मसला यह है कि बारान के दिल में खंजर कैसे घोंपा जाए। शाम बखैर। खुश आमदीद बेटे। खुश आमदीद भतीजे। शुक्रिया। जिहान कहाँ है, वो नहीं आया? अपने दोस्त के पास रुकेगा आज, और कल ट्रिप पर भी जाएगा। तुम तो नहीं भेज रहे थे उसे? उसका जाना बेहतर है। ठीक है, चलो खाना खाते हैं। आप खाइए, मैं बाबा से मिल लूं। बैठ जाओ, कुछ बातें कर लेते हैं। अब तक कुछ किया या नहीं? आप जाके खाना खाइए चाचा, बाद में मिलता हूँ। या अल्लाह, इतने साल मैंने अपने बच्चों को इन परेशानियों से बचा कर रखा, हमें अच्छी खबर की तौफीक अता फरमा। बाबा, क्या आप कुछ खाएंगे? जल्दी नहीं है बेटी, खा लूंगा मैं बाद में। हाय अल्लाह, कसम से बहुत भूख लग रही थी मुझे तो। जरा देखो तो क्या पका है। अरे ये तो मुझे बहुत पसंद है। बहुत मजेदार बना है ये तो। वैसे आंटी, जो आपने चाहा वो आपको मिल भी गया। जुमरुद, अरे कुछ नहीं, बड़े होके समझ जाएगी। चलो लड़कियों, बातें बंद करो और अपने बाबा को कुछ खाने के लिए दो। मैं जब भी फारिग होती हूँ तो दुकान पर भी टाइम देती हूँ। तो फिर यहाँ क्यों आई हो? मेरी बहन बाहर जा रही है,
यहाँ काम करके टिकट लेकर उससे मिलने जाऊंगी। टिकट मैं करा दूंगी, तुम फिकर मत करो। बिल्कुल, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। जुमरुद, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। सईद आ जाओ। किसकी कॉल है बाबा? हाँ, हेलो, रुकना जरा। क्या हो रहा है अम्मी? कुछ नहीं, तुम सूप इधर रखो। चाचा ने आपको बताया होगा, उन्हें वो जालिम मिल गए। अम्मी को मारने वाले और आपको इस कुर्सी तक पहुंचाने वाले मिल गए हैं बाबा। मगर आप फिक्र मत करें, मैं अम्मी की वसीयत निभा के रहूंगा, जिहान की हिफाजत करूंगा, इस मसले से दूर रखूंगा उसे, उसका किरदार साफ रहेगा। अम्मी के खून को जाया नहीं होने दूंगा मैं। आप पुरसुकून रहिए बाबा। सब ठीक कर दूंगा मैं, आपके सर को कभी नहीं झुकने दूंगा। वो आदमी बच नहीं पाएगा, उसका एक बेटा भी है। हिसाब सीधा है, उसके बेटे की जान लेनी होगी ताकि हिसाब बराबर हो जाए। ठीक है भाईजान, ठीक है, अगर आपको कुछ पता लगे तो बताइएगा। बाबा, उन लोगों के बारे में कुछ पता चला? कुछ भी पता नहीं चला बेटे, हालांकि मैंने कोशिश भी की है। परेशान मत हो बाबा, तो आपका ख्याल सही निकला, अगर ये वही होते तो इंतजार नहीं करते। दुकान के अतराफ वो कितनी देर तक रहे? मुझे अंदाजा नहीं, लेकिन जब मैं निकला तो वो नहीं थे। शायद वो हमारे लिए ना आए हों। बाबा आ जाए, खाना ठंडा हो रहा है। ठीक है बेटी, शुक्रिया, आते हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इस किस्म के आदमी से मिले हो। क्या बताऊं, मैंने अपनी जिंदगी में इतना बदमिजाज और जालिम इंसान नहीं देखा। घोड़े का क्या हुआ, क्या मार दिया? मुझे नहीं मालूम, उसके बारे में सोचकर बेचैन हो जाती हूँ। सोचो जरा, उसकी टांग टूटने की वजह से क्या हम उसकी जान ले लेंगे? घटिया आदमी, और तुम्हारे साथ भी उसका रवैया अच्छा नहीं था। जिसे घोड़े की परवाह नहीं, वो किसी की क्या परवाह करेगा? कोशिश कर रहा था वो, उसके लोग भी उसकी शक्ल देख रहे थे, उसके खौफ में डूबे हुए। मगर वो तुम्हें नहीं डरा सका, तुमने यकीनन उसे लाजवाब कर दिया होगा। बहुत बहादुर हो तुम। अब ज्यादा चढ़ाओ नहीं तुम मुझे।
मैं चढ़ा नहीं रही तुम्हें। तुम हमेशा से ही ऐसी हो जब हम छोटे होते थे। बचपन से ही तुम मेरी आइडियल रही हो। तुमने हमेशा मेरा ख्याल रखा है। तुम्हारे जाने के बाद मैं क्या करूंगी? किसके साथ रात भर बैठकर बातें किया करूंगी मैं? और कुकीज कौन देगा मुझे? बड़ी बातें बनाने लगी हो तुम। मेरा दिल हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। हम रोज वीडियो कॉल कर लिया करेंगे। वादा करो। वादा करती हूँ। बाल गीले हैं तुम्हारे, बीमार हो जाओगी तुम। जल्दी सुखाओ, फौरन जाओ। वो क्या जवाब देगा बाबा? बारान क्या करेगा? जहान को तो मामले से अलग कर दिया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, अजीब सूरत हाल है। फिर हम क्या करें बेटा? वो जो चाहता है उसे करने दो। क्यों? जेहान नौजवान है, उसके होने न होने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बारान काफी जहीन है, काफी होशियार है वो। अगर बारान ये काम करता है और जेल चला जाता है तो सोचो जरा। समझ रहे हो तुम? ऐसे हालात में हम खराबे खानदान को एक 17 साल के नौजवान के हवाले नहीं कर सकते। हर काम में उसके साथ होंगे हम, मशवरे भी हमारे ही चलेंगे, हर मामले में हमारी मर्जी चलेगी, यानी सब कुछ हमारे हाथ में होगा। ठीक कह रहे हैं आप। हमें इस तरह रहना होगा कि कोई हम पर शक न करे। बारान की हर बात खामोशी से सुनकर उसकी हिमायत करनी है। तुम्हें उसकी तवज्जो हासिल करनी होगी। ये तो बहुत आसान है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आसानी से कर लूंगा मैं। बारान, अब क्या करना है? कोई मंसूबा बनाया तुमने? उन बदबख्तों को कैसे सबक सिखाना है? फिक्र मत करें चाचा, मैं संभाल लूंगा। चाहो तो फिरात को अपने साथ ले जा सकते हो। एक खानदान है हम, ऐसे मुश्किल वक्त में खूनी रिश्ते का साथ होना बेहतर होता है। मुझे जरूरत नहीं और मदाखलत भी पसंद नहीं। ये काम कल हो जाएगा। ब्रेसलेट, ब्रेसलेट कहाँ गया? इसे कभी खुद से जुदा मत करना। ये ब्रेसलेट तुम्हें तमाम बलाओं से दूर रखेगा। चला गया ब्रेसलेट? मैंने यहीं कहीं गिराया होगा। उसको तलाश करना जरूरी है। इंशाल्लाह जल्दी मिल जाएगा मुझे। जल्दी से ढूंढना होगा। सॉरी तूफान, काश ऐसा ना होता। यहाँ
यहाँ गिरा होगा शायद। इसके अलावा कहीं नहीं हो सकता, यहीं पर होना चाहिए। मुझे करना पड़ेगा तूफान, मेरे पास कोई चारा नहीं। मैं और तुम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। हम दोनों का दर्द लाइलाज है। मैं जानता हूं ना तो मेरा यह दर्द कम होगा और ना ही जाने वाले वापस आएंगे। अल्लाह का शुक्र है, इसने मारा नहीं उसे। तूफान जिंदा है, जिंदा है ये। मगर मैं मजबूर हूं, ये मसला खत्म होना चाहिए। तुम क्या कर रही हो यहां? मेरा ब्रेसलेट गिर गया था, वो लेने आई हूँ मैं। तो तुम सिर्फ एक ब्रेसलेट के लिए मेरे फार्म में दाखिल हो गए। आप नहीं समझेंगे, वो ब्रेसलेट मेरे लिए बहुत अहम है। बगैर इजाजत आने के लिए माफी चाहती हूँ मैं। निकल जाओ यहाँ से। जाने अपने आप को क्या समझता है, मेरा ब्रेसलेट उसी के पास है। बदतमीज आदमी। सुबह खैर बाबा। सुबह खैर मेरी बेटी। ज़ुमरुद अभी तक नहीं उठी? वो तो पहले ही स्कूल जा चुकी है, आज उसकी क्लासेस शाम तक होंगी। आप यहाँ पर बैठे बाबा, मैं चाय लेकर आती हूँ। शुक्रिया। और हाँ, मेरी दवाइयाँ भी लेती आना। अभी लाती हूँ बाबा। सुबह खैर अम्मी। सुबह खैर। भयानक ख्वाब की वजह से सारी रात करवटें लेती रही हूं मैं। मुझे बताओ, कुछ पता चला क्या? नहीं हनीफे। ये लीजिए बाबा। अम्मी चाय अभी दम पर है, थोड़ा और वक्त लगेगा। तो तुम कहां जा रही हो? मुझे जरा स्टोर तक जाना है अम्मी, कुछ सामान खरीदना है वहां से।
फिर स्कूल जाऊंगी। स्टूडेंट अफेयर्स के ऑफिस में कुछ पेपर साइन करने हैं मुझे। ये सब कल ही करके आना चाहिए था ना, अब आज का किराया देना पड़ेगा। तो आप ही बता दें क्या करूं मैं। बेटी तुम अपनी माँ की बात का बुरा मत मानो, तुम चली जाओ। बाबा मैं स्कूल से वापसी पर भाई के पास चली जाऊंगी, वहाँ जाकर मैं भाई की हेल्प करूंगी। ठीक है, कोई मसला नहीं, चाहो तो स्कूल से घर आ जाना, आराम कर लेना, चलो जाओ। तुम्हारी बेटी चली गई है, अब तो बताओ मुझे। कोई खबर नहीं है, नहीं फिर कोई नहीं। कोई गैर मामूली बात होती तो हम तक जरूर पहुंचती। हाँ अगर कुछ हुआ तो पता चल जाएगा हमें। हेलो, जी मैं ही हूँ। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या उन्होंने ढूंढ लिया हमें? वो कुछ कहें तो खामोश मत रहना। हाँ ठीक है। क्या वही है सईद? हाँ मैं समझ गया, वही है। वही थे हनीफे। हाँ ऐसा मत कहो। पता चल गया उन्हें। जिवदिल, जिवदिल, मेरा बेटा। ये लीजिए आपका ऑर्डर। शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। मुझसे एक वादा करो बेटा, तुम्हारा भाई जहान, आज से उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। हमारा खून पुकार रहा है हमें। ये बदला लेने के लिए जहान मुनासिब रहेगा। क्या हुआ? चलो अंदर चलो। अम्मी, अम्मी बाबा तो ठीक है ना? अम्मी बताएं मुझे। चलो अंदर चलो बेटा, चलो। बेटे मदद फरमा, अल्लाह मेरी मदद फरमा। अरे हनीफे जरा चुप तो हो जाओ। क्यों चुप हो जाऊं, पागल हो गई हूं मैं? बेटा तुम आज ही जा रहे हो, जल्दी से अपना पासपोर्ट लो और ऐसी जगह चले जाओ जहां तुम्हें कोई ढूंढ ही ना सके। अम्मी आप ये क्या कह रही हैं? अपनी बीवी और आप लोगों को छोड़कर कहां जाऊंगा? तुम्हें जाना होगा जेवदेत, इस मामले में तुम्हारी कुर्बानी नहीं दे सकती। शहर के लोग जो कह रहे हैं बाबा, क्या वो सच है? वो हमारे पीछे हैं। तुम्हारी माँ सच कह रही है, तुम चले जाओ। खुदा के लिए ऐसा मत कहें बाबा, आप लोग क्या करेंगे? हमारे लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, तुम जाओगे, तुम्हें जाना होगा बेटे, तुम्हें भागना होगा यहाँ से। क्या हो रहा है अम्मी?
कौन कहां भाग रहा है? ये सब क्या हो रहा है? हाँ तो भाई, वो दिन आ ही गया जिसका ख्वाब आप बरसों से देख रहे थे। जिस दिन आपके बेटे के हाथ खून से रंगीन हो जाएंगे। भाई रुके जरा, अपना चेहरा तो देख लेने दे मुझे। सुना आपने भाई, बारान आज कातिल बन जाएगा। भाई और फिर कुछ ही दिन में शायद वो जेल भी चला जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आगे क्या होगा। बड़े से जान छुड़ाने के बाद मैं छोटे को तो हर वक्त अपने इशारों पर नचाऊंगा। भाई तुम्हारी फैमिली की कहानी खत्म। इस जागीर और खानदान का सरदार होऊंगा मैं। बाबा, नहीं मारा उसने। क्या मतलब नहीं मारा? इरादा बदल दिया उसने, जबकि गोली चलाने ही वाला था। हमें कुछ करना पड़ेगा, ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। रुको, सोचने दो मुझे। मैं मजीद नहीं रुकूंगा, जानता हूं कि क्या करना है। कोई हिमाकत मत करना। जिहान फिरात, मेरी बात सुनो फिरात। तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। तो बताइए। जिहान बता के रहूंगा। तुम तो ट्रिप पे जा रहे थे। जी लेकिन अब नहीं जा रहा। अच्छा तो अंदर जाके कुछ खा पी लो। क्या, कैसे? क्या वो कर्ज की वजह से मेरे भाई को मार देंगे? ये कैसा कर्ज है? ये एक बहुत पुराना कर्ज है। जितना भी कर्ज है हम उसे मेहनत करके उतार देंगे। चलिए उन लोगों से बात करते हैं, थोड़ा वक्त मांग लेते हैं। भाई को अगवा करने का क्या मतलब? ये कर्ज चुकाना इतना आसान नहीं है मेरी प्यारी बहन। क्या हम लोन नहीं ले सकते? हम इस दुकान को गिरवी रख सकते हैं। बाबा हम भाई को नहीं जाने देंगे, ठीक है? कोई रास्ता निकालेंगे। बिल्कुल चुप हो जाओ, समझी तुम? देर मत करो, तुम जल्दी से घर जाओ और भाई का जरूरी सामान लेकर आ जाओ। अम्मी जो कहा करो फौरन, और पासपोर्ट मत भूलना। क्यों खड़े होकर वक्त बर्बाद कर रही हो? भाई इधर आओ मेरी बहन। भाई जो अम्मी ने कहा है वो करो। उसके पास चलते हैं हम। ऐसा मत करें खुदा के लिए। किस दौर में जी रहे हैं हम, जहाँ कर्जे के बदले लोगों की जान ले ली जाए। चलो अब रोना बंद करो, बस भी करो, चुप हो जाओ प्लीज। तुमने ऐसा क्यों किया बेटे? अपनी माँ के कातिल के बेटे को कैसे और सांसों की मोहलत दे दी तुमने? क्या मेरा ताकुब कर रहे थे आप लोग? वो कहीं भाग ना जाए इसलिए ऐसा किया था, गलत मत समझना। पहले ही देर हो चुकी है, ये ना हो कि वो भाग जाए। अगर जिहान जाता तो उसको अब तक मार चुका होगा। बारान पुरसुकून हो जाओ, चुप करो। ऐसा सोचने की कोशिश भी मत करना। इस मामले में जिहान का नाम सुनना नहीं चाहता मैं। सुना तुमने? जिहान इस मामले से लाइल है, वो गन नहीं उठाएगा। बस बहुत हो गया ये सब। बात सुनो, अगर इस मसले में किसी की मुदाखलत नहीं चाहते तो तुम खानदान के सरबराह होने के नाते इस मसले को जल्द से जल्द हल करो, क्योंकि ये तुम्हारा अव्वलीन फर्ज है। वो यकीनन समझ चुके होंगे कि हम उनके पीछे हैं, भाग गए होंगे। वो भागने नहीं दूंगा।
मैं उनका खून जमीन पर देखना चाहती हूँ। ये देखे बगैर दुनिया से नहीं जाऊंगी। मैं तुमसे अपना हक मांगती हूँ। हेलो, आपको आपका हक मिलेगा। खून रायगा नहीं जाएगा हमारा। ये हार मानने वाले लोग नहीं है, ये कभी हार नहीं मानेंगे। अम्मी बस करें, पुरसकून हो जाए। मैं कैसे पुरसकून हो जाऊं? दिलान भी नहीं आई अभी तक। जैस्मी से बात हुई है? माहीगीर जैस्मी से? हाँ वो ही। मैं साहिल पर इंतजार करूंगा, बस इतना ही कहा उसने। तो क्या करना है बाबा? बोहराय अस्फत के रास्ते से निकलना होगा तुम्हें। अम्मी वो आ गए हैं। अंदर भागो जल्दी से। मेरी अम्मी के सामने ऐसा मत करना, मुझे यहां से कहीं दूर ले जा। मैं तुमसे इल्तिजा करती हूं कि मुझे बेटे के दर्द की आग में मत डालो। मेरे बेटे को माफ कर दो, इसे जाने दो। मैं यहां किसी की जान लेने नहीं आया। आप रिवाज से वाकिफ होंगे। क्या तुम दियत दोगे? किसी की जान ना जाए, इसका वाहिद जरिया यही है। बाबा हम ऐसा नहीं करेंगे। बाबा बेटे, कोई और रास्ता नहीं है। ये जो कह रहे हैं वो ठीक है। कोई और रास्ता नहीं बाबा, बेहतर होगा आप खुद मुझे जान से मार दें। क्या हो रहा है सही? ये हमारी बेटी को खून की कीमत के तौर पर चाहते हैं। दिलान को ले जाए, इस तरह मेरे बेटे की जान बच जाएगी। अम्मी हाँ? ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा नहीं होगा अम्मी। क्यों नहीं? गोली खाना चाहते हो, मरना चाहते हो? मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। नहीं होने दूंगा। चुप हो जाओ। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें इसकी इजाजत देनी होगी, देनी होगी इसकी इजाजत। तुम चुप क्यों हो, बोलते क्यों नहीं हो? सईद अपने बेटे को समझाओ। सईद कुछ तो कहो। सईद सईद सईद। चलो बस बहुत हो गया, लड़की को लाओ अभी। मेरी बहन इस बारे में कुछ नहीं जानती। इस किस्से को यहीं खत्म करते हैं। तुम्हारा निशाना मैं हूं, मुझे मार डालो। तो फिर खून बहेगा यहाँ, तुम्हारा या मेरा, मगर ये मौजू आज बंद हो जाएगा। नहीं बस आप थोड़ी देर और रुक जाएं। दिलान अभी रास्ते में ही होगी। बाबा बाबा ये नहीं हो सकता, ये नाइंसाफी है। वो आपकी बेटी है, जुल्म ना करें। बाबा आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? बाबा बाबा कुछ तो बोले। मेरे आदमी दरवाजे पर है, वो आए तो हवाले कर देना। एक लड़की आएगी यहां, उसे लेकर मेरे पास आ जाना। बाबा बाबा कुछ तो बोले। बाबा वो आपकी बेटी है। बाबा खुदा का वास्ता, दिलान भी आप ही की औलाद है। छोड़ो मुझे, जाने दो, छोड़ो छोड़ो मुझे। जैसे मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। दिलान को जाने दो। भाई पुलिस को कॉल करें। तुम्हें इनके साथ जाना होगा। अगर अपने भाई को जिंदा देखना चाहती हो तो चली जाओ इनके साथ। क्या कह रही है अभी? मैंने कहा जाने दो उसे। अभी मैं उन्हें अपनी बहन को ऐसे नहीं ले जाने दे सकता। नहीं, मैंने कहा रुक जाओ तुम।
अम्मी क्या कर रही हैं आप? सईद मदद करो मेरे सईद। अम्मी अम्मी छोड़ दे मुझे। तुम लोग इसे लेकर क्यों नहीं जाते हो? किस बात का इंतजार कर रहे हो? ले जाओ उसे। अम्मी छोड़े मुझे। अम्मी पापा छोड़ो मुझे। दोबारा मत आना यहाँ। जाने दो मुझे। मेरे बेटे से दूर रहना। शामदीद। शुक्रिया। मेरा सामान अंदर रखवा दीजिएगा। बिल्कुल अभी रखवा देती हूँ। आओ मेरी प्यारी बेटी, खुशामदीद। पहले तुम्हें देख तो लूं, और खूबसूरत हो गई हो और निखार भी आ गया है। ये खूबसूरती नहीं आपका हुस्न नजर है। कदर हमारे लिए कहवा लाओ, मैं अपनी बेटी के साथ पीऊंगी। अभी लेकर आती हूँ। बैठते हैं। माशाल्लाह आप तो बेहतर लग रही हैं। वाकई में? चलो तुम कहती हो तो मान लेते हैं। ये बारान वो कहाँ है? बारान एक काम से गया है, शाम तक वापस आ जाएगा। बेटी मैंने तुम्हें कॉल करके बुलाया था, मगर बारान को एक अहम मसला हल करना है। किस किस्म का मसला? वक्त आने पर तुम्हें भी सब पता चल जाएगा। तुम्हारे आने का बारान को नहीं पता, उम्मीद है कि वो तुम्हें देखकर खुश होगा। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मुझको क्या समझ रखा है तुम लोगों ने? क्या मसला है तुम्हारे साथ?